ओके तो भाई फाइनली आज का स्मैकडाउन स्टार्ट हो चुका और प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो चुका है कोडी रोड्स रैंडी ऑटन और केविन ओवंस के बीच। एग्जैक्टली क्या हुआ इस पूरे सेगमेंट में, कौन से हमें न्यू मैचेस देखने को मिलेंगे, आइए हम शुरू करते हैं सब कुछ। उससे पहले भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई आज का स्मैकडाउन का स्टार्टिंग जो देखने को मिलता है द वाइपर रैंडी ऑटन से, मतलब हम लोग को स्टार्टिंग देखने को रैंडी ऑटन आते हैं आज के स्मैकडाउन के ऊपर। रैंडी ऑटन बताते हैं कि मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर किसी को ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया तो उसका नाम कोडी रोड्स। आज जो मैं कोडी रोड्स के साथ देख रहा हूँ वो चीज मैं देख नहीं पा रहा हूँ, वो रोमन रेंस के साथ टीम अप कर रोमन रेंज वो बंदा है जो कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसके अगेंस्ट हम लोगों ने बहुत बार फाइट किया। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ टाइम पहले जो कोडी रोड्स के साथ हम लोगों ने टीम बनाया था वो मतलब ब्लडलाइन के अगेंस्ट ही फाइट करने के लिए बनाया पर था। आज क्या ऐसा मुसीबत आ गया कोडी रोड्स के पास कि कोडी रोड्स जाकर दुश्मन से मिल गया रोमन रेंज के साथ जाकर टीम अप कर लिया। ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कोडी रोड्स प्लीज मेरे सामने आ जाओ, मेरे सामने आकर सारा एक्सप्लेनेशन दे। इसके बाद भाई सामने से हमें कोडी रोड्स देखने को मिलते जो कि भाई आकर एक्सप्लेनेशन देने के लिए यहाँ पर आए हुए। कोडी रोड्स बताते कि देख मेरे भाई एक टाइम था जब रोमन रेंज मेरा दुश्मन था, अभी करेंट टाइम में रोमन रेंज हम लोग सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं। रोमन रेंज को अब करेंट टाइम में ऑडियंस जो है वो प्यार करना मतलब शुरू कर चुकी है। यहाँ पर भाई ऑडियंस का भी काफी अच्छा पॉप देखने को मिलता है, मतलब भाई ऑडियंस भी रोमन रेंज को काफी अच्छा खासा प्यार कर रही है। उसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं देख भाई मैं उससे दोस्ती नहीं कर रहा, बस रोमन रेंज अपना बात वाला आदमी, मैन ऑफ माई बर्ड या फिर मैन ऑफ द बर्ड भाई कुछ ऐसे करके मतलब लाइन यहाँ पर बोलते हैं। रोमन रेंज अब मुझे धोखा नहीं देने वाला, रोमन रेंज ने बोला है उस वादा को निभाने वाला, इसलिए भाई मैं नहीं चाहता कि तुम और केविन ओवंस और भी ज्यादा परेशान हो ब्लड लाइन के पीछे, इसलिए भाई मैं तुम लोग को थोड़ा सा साइड कर दिया। इस बार मैं रोमन रेंज का मदद ले रहा हूँ ब्लड लाइन को निपटाने के लिए। रैंडी ऑटन तो भाई यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बोलते, रैंडी ऑटन बस ये बोलते कि चलो ठीक है तुम जो भी कर रहे हो अच्छे कर रहे हो, मैं होप करता हूँ तुम्हारा जो भविष्य हो मतलब वो उज्जवल हो। देन इसके बाद भाई यहाँ पर केविन ओवंस का म्यूजिक हिट होता है वहाँ पर, और भाई केविन ओवंस वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। भाई कमाल की बात है कि भाई केविन ओवंस आने के बाद वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि भाई उनसे आने से पहले भाई वहाँ पर भाई सोलो सिक्वा अपने ब्लड लाइन के साथ पहुंच जाते। सोलो सिक्वा सबसे पहले आते हैं, सोलो सिक्वा बोलते हैं सबसे पहले पूरे क्राउड को चलो सारे लोग सबसे पहले एक्नॉलेज करो। ऐसे ही बता रहा हूँ भाई इस पॉइंट पर चार चिंदी चोर भी भाई मतलब सोलो सिकॉ का एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे। फाटू अपना हाथ ऊपर किए थे, कुल मिलाकर दो तीन लोग और यहाँ पर सोलो सिकॉ का एक्नॉलेज किए। उसके बाद सोलो सिकॉ बोलते हैं देख भाई मुझे ये चीज तो देखकर काफी खुशी हो रहा है कि मतलब भाई मेरे लिए तीन तीन लोग यहाँ पर रिंग के अंदर बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं भी डब्ल्यू कंपनी के अंदर मतलब वैल्यू करता हूँ, मेरे लिए तीन तीन लेजेंड यहाँ पर रिंग के अंदर खड़े हैं। और देन इसके बाद सोलो सिकॉ बोलते हैं देख कोडी रोड्स मैं तुम्हें सीधा बता रहा हूँ रोमन रेंज तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा मतलब टीममेट, क्योंकि केविन ओवंस रैंडी ऑटन भाई तुम्हारे साथ अगर रहेगा भी फिर भी मतलब ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। ऊपर से तुम केविन ओवंस को ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, तुम रैंडी ऑटन को ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकते, इसलिए कोडी रोड्स तुम्हारे लिए करंट में सबसे बेहतर उपाय है कि मतलब तुम रोमन रेंज के साथ टैग टीम बना लो। और केविन ओवंस इतना हमें गुस्सा होता है, केविन ओवंस बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मतलब ये मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, तो चलो ठीक है हम लोग भरोसे लायक है फिर नहीं आज के स्मैकडाउन के ऊपर हम लोग पता कर लेते हैं। इसलिए जेका फाटू तुम और सोलो सिकॉ मेरे और रैंडी ऑटन के गेस्ट आज के शो के मेन इवेंट के अंदर टैग टीम मैच रेसल करेगा। इतना ही में भाई कोडी रोड्स अपना माइक ओपन कर देते हैं, कोडी रोड्स मतलब बोलने यहाँ पर कोशिश करते हैं कि सिक्स मैन टैग टीम मैच यहाँ पर होगा, मतलब कोडी रोड्स यहाँ पर खुद भी मैच रेसल करना चाहते थे पर भाई केविन ओवंस उनका माइक सीधे यहाँ पर नीचे कर देते। केविन ओवंस बोलते हैं देख भाई कोडी रोड्स तुम्हें मैच रेसल करना, तुम्हें एक नया टैग टीम पार्टनर मिल चुका है तो तुम उस मैच के ऊपर फोकस कर, हमारे मामले में बीच में मतलब अभी फिलहाल तू ना। भाई आज के शो के मेन इवेंट के अंदर सोलो सिकॉ मतलब यहाँ पर जेका फाटू दोनों फाइट करने वाले हैं रैंडी ऑटन और केविन ओवंस के अगेंस्ट, और बेहतरीन मैच होने वाला है। भाई इस मैच के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आपको मेन इवेंट के अंदर ही पता चलेगा। हाँ एक चीज और भाई, केविन ओवंस भाई अभी फिलहाल कोई भी कोडी रोड्स के बारे में बात नहीं की, अभी तक नहीं उन्होंने नहीं बात की।